नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह के बज के देखे 10 और बच्चों को जाना है ट्यूशन, पीहू और ईशू को। नहीं, पीहू और रुई को, मैं तो कन्फ्यूज हो जाऊँ इन तीनों के नाम में, कभी कुछ बोला जा। तो ये पीहू और रुई जाएगी बस आज ट्यूशन। वैसे तो दिन है संडे, लेकिन जाना है इन्हें दोनों को। कल नहीं गई थी, कल इनकी छुट्टी थी। तो ये दोनों तैयार है, नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया। इसके पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने। बैठे आराम से, बस चल बाहरी ना बैठ जाती, क्या बाहरी ना बैठ जाती, बाहर बैठियो बेटा। यहाँ पहले निकालने दे बाइक को, बाइक निकल जाएगी तो तब आराम से जाइयो बैठियो। जब हो जाएगा ना ट्यूशन फिर फोन कर देना, ठीक है। ग्लव्स ना पहन लेते, आज ठंड हो रही है। आराम से बाय बेटा, बाय। तो रुई और पीहू तो चली गई है ट्यूशन, और ईशू भी दिखा देती हूँ आपको क्या कर दी। असल में क्या हो रहा है, ईशू को लग रही चोट पैर में, वो मोबाइल लेकर बैठ गया अपना। उनसे बहुत बेनिफिट हो रहा चोट लगने का। चोट क्या, इसके पैर में ना शायद मस्कोड वगैरह आ गई कल कुछ, और ये परेशान हो रही, इससे चला नहीं जाता। अभी मैंने इसके पैर की चुराई भी की है, नमक का पानी डाल के, देखती हूँ ठीक हो जाएगी तो शाम तक। और दवाई रात इसके वो मालिश भी करी थी, तेल जो मालिश वाला तेल होता है उसकी। तो देखती हूँ अगर आराम हो गया तो, आज है भी संडे और डॉक्टर की दुकान बंद रहती है। अगर खुल गई तो दोपहर बाद तो इसको डॉक्टर के दिखा के लाऊंगी, क्योंकि पैर से आज इसका चला नहीं जा रहा। जब चलती है वैसे भी दर्द हो रहा बेटा। हाँ, वैसे भी हो रहा, लेटे लेटे हो रहा। टांग में, पूरे पैर में हो रहा या यहीं पे हो रहा? वो तो इसलिए हो रहा कि वहां से ज्यादा चले फिरे ना, दोपहर से शाम तक कंटिन्यू चलते रहे तो इतने चलते नहीं, वो तो इसलिए हो रहा। तो खैर देखती हूँ अगर दुकान खुलगी तो आज इसको डॉक्टर के दिखा कर लाऊंगी, क्योंकि आज संडे है, कम खुलती है संडे को डॉक्टर की दुकान। तो मैंने इसको झराई कर दी नमक के पानी से, और अब लगूंगी अपने काम पे। नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया सारा, सबने कर लिया, और आपको दिखा दूँ देखिए मेरे घर का हाल क्या हो रहा। ये देखिए ऐसा हो रहा जैसा स्टेशन पर नहीं लगी रहती पूरी वो बिछा है सारा घर। ये देखिए अभी और कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता बना। ये देखो इस कमरे की भी हालत, बिस्तरे भी ऐसे कैसे ही पड़े, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का ही करना पड़ता है इन्हें। आज नीलाए तो है नहीं मैंने, ठंड हो रही है क्योंकि आज धूप भी नहीं है, बादल हो रहा। तो मुँह धो के कपड़े बदल दिए, तो इसलिए पहले बच्चों का, उन्हें ट्यूशन जाना था वो कर दिया काम, और उसके बाद बस अब लगूंगी काम पर। कोई बात नहीं, पढ़ा अभी जब लगूंगी ना एक घंटे में सारे वो सेट करके छोड़ दूंगी। जब तक लगती नहीं, जब लग जाती हूँ ना तो फिर तो सेट हो जाता है सारा घर। और किसी ने कमेंट भी करके कहा था मुझे कि आपका घर कितना गंदा रहता है। देखो भाई, चार चार बच्चे हैं मेरे पास, और बच्चों का काम भी करना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। तो क्या वो ये है कि जितना होता है मेरे से, मैं तो करती हूँ इतना ही होता है, आप कुछ ज्यादा कर लेते होंगे मेरे से। और जब कुछ बात ऐसे होते हैं जैसे मैं कर दूं, बच्चे फिर फैला के गिरते हैं। और सुबह के टाइम तो ऐसा ही होता है हमेशा हमारे घर में। तो मैं लग गई हूँ काम पर, और सबसे पहले लगाऊंगी मशीन। और मशीन अब मैं कुई पे नहीं रखती, पहले कुई के ऊपर ही रखी रहती थी, तो उसको मतलब इधर उधर नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब मैं साइड में कर देती हूँ, क्योंकि जो कुई का ढक्कन है वो थोड़ा हो रहा कमज़ोर, और वैसे भी गिल्ला हो जाता है रोज़, और गिल्ले होने से और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने मशीन को साइड में ही रख लिया, और जब धोती हूँ कपड़े लगा लेती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मतलब पाइप है नाली वाला उसके पास, और उसके बाद फिर मैं इसको साइड में कर देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने पाइप लगा दिया पानी के लिए, मोटर चला ली है, और तब तक छाँट लिए हैं कपड़े। कपड़े जो वाइट वाइट होते हैं वो ही मैं डालती हूँ, और यहाँ सारे कपड़े मैंने निकाल लिया, और जो नए कपड़े हैं हाथ से धोने वाले वो मैंने अलग निकाल लिए, उनको मैं इजी में धोंगी या फिर शैम्पू से धोंगी, जो भी मतलब हाथ से धोने वाले। तो उसमें सर्फ डालने के बाद मशीन में पहले पानी भर लिया, बस सर्फ डाल दिया, और फिर डाल दिए हैं लाइट कलर के कपड़े। वैसे तो वाइट वाइट ही डालती हूँ, और अगर वाइट कम हो तो थोड़े से लाइट कलर वाले भी डाल लेती हूँ कपड़े। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से बस किचन भी सारा अभी ऐसे ही फैला पड़ा था, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे
और बच्चों के जाने के बाद तो सारा काम ऐसा ही पड़ा रहता है, मतलब उससे पहले तो कुछ भी काम नहीं होता। और पहले बच्चों का ही काम होता है, अगर वे स्कूल चले जाए तो फिर मैं अकेली, मुझे ही क्या करना, तो मैं आराम से बाद में सारा कर लेती हूँ। एक तो आराम से हो भी जाता है और कोई काम नहीं करना होता, और दूसरा कि भाई बार बार डिस्टर्ब नहीं होते। और बच्चों के सामने अगर ये काम करेंगे, जैसे ट्यूशन या स्कूल जाते हैं बच्चे तो, या नाश्ता बनाने से पहले, तो फिर वो लेट हो जाता है मेरा काम। तो या नाश्ते का तो मैंने पहले कर लिया था सारा काम, बस उसके बाद फिर कर दिए है सारे किचन की साफ सफाई। और गुड्डू ईशू आज घर में ही हैं दोनों, और रू ही पीहू गई हैं ट्यूशन, वो कल नहीं गई थी, कल छुट्टी थी उनकी, तो आज मैं घर में ही पढ़ रही हैं दोनों। और गुड्डू के तो एग्जाम चल रहे, तो वो भी अपनी तैयारी में लगी हुई। और बस फिर किचन का करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और फटाफट से यहाँ कर दूँगी तीनों कमरों की सफाई। और सुबह के टाइम तो देखो आप बोलते हो कि गंदा रहता है आपका घर, देखो बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो ऐसा ही रहता है। और मैं करने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब बहुत सफाई करती हूँ अपने उससे, लेकिन फिर भी बच्चे फैला देते हैं। और मेरे से ऐसा तो होता नहीं कि बच्चों को मार पीट कर एक तरफ बिठा दो, वो काम तो मेरे बस का नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बच्चे अब नहीं करेंगे तो और कब क्या बड़े होकर करेंगे, ये बचपन है इनका, अब हम इनको, इनका अगर बचपन छीन लेंगे तो फिर दोबारा थोड़ा ही आएगा। और कोई बात नहीं, कर लेंगे, एक दो साल और हो जाएगा, और जब बड़ी हो जाएंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी सबकी, मतलब कि कूड़ा खिंडाना या नहीं खिंडाना अपने आप पता लग जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा रोका टोकी नहीं करती किसी भी बच्चे को, और खेलने देती हूँ जैसे वे खेलते हैं आराम से। कभी कभी मैं उसको बोल देती हूँ कि अब बेटा आपने फैलाया है तो आप उसको समेट दो, तो मैं रख भी देती है जितना उनसे होता है चारों से ही। तो यहाँ बस सफाई हो गई है मेरी सारे पूरे घर की, अब मैं आ गई हूँ कपड़ों पे। और कपड़े जो हाथ से धोने वाले थे वो मैंने इजी में भिगो के रख दिए थे, जो नए नए कपड़े थे कल वहाँ गए थे चौकी ढानी, तो नए कपड़े थे काफ़ी सारे, तो वो मैंने इजी से धो दिए हैं। और अब निचोड़ लूँगी पानी, और पानी के लिए ये ड्रम रखा हुआ है मेरा, यही भर लेती हूँ। वैसे अभी कंटिन्यू नहीं भरा जाता क्योंकि ठंडा हो जाता है पानी, और जब मुझे कपड़े धोने होते हैं तो उससे पहले ही एक दिन भर लेती हूँ मैं पानी, शाम के टाइम ही आता है ये पानी, मतलब सुबह के टाइम नहीं आता। तो यहाँ बस मैं साथ साथ निचोड़ रही हूँ कपड़े, और मशीन भी लगी हुई है, और आंटी भी आ गई थी, वे कर रही थी अपना काम साफ़ सफाई का, तो मैं अपने काम में लग रही थी। तो जी कपड़े धुल गए हैं और सारे मैंने फैला दिए, देखिए चारों तरफ कपड़े कपड़े हो रहे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। और कुछ तो कल वहाँ गए थे घूमने, तो सबके में भी धोए गए हैं, ये देखिए इधर वाले तार पे भी, एक तार, दो तार, दूसरा ये, तीसरा वो, और चौथा ये, और पाँचवा उधर, तो पाँच तार पूरे भर गए। तो कपड़े धुल गए हैं और अब चलती हूँ नीचे, जो छोटे मोटे काम है वो करूँगी। तो जी काम मेरा हो गया है सारा, कपड़े भी मैं फैलाए आई हूँ, और बच गए हैं 12। अब जो छोटे मोटे से काम है मैं कर लेती हूँ थोड़े से, और 12 बजे तक देखे मैंने कपड़े भी धो लिए, साफ सफाई का काम भी हो गया। अब देखे पूरा घर बस क्लीन पड़ा है, बस ये प्रेस के कपड़े रखे हैं यहाँ, आज जब सूख जाएंगे कुछ प्रेस कर दूंगी इन पे, और कुछ दूंगी प्रेस के लिए। तो ये बस सारा काम, क्लीनिंग भी होगी सारे घर में अच्छे से, और आंटी भी आई थी वो भी अपना करके चली गई है काम। तो सारा काम हो गया, 12 बज गए, और बस अब छोटे मोटे से जो काम है वो कर लेती हूँ मैं। कपड़े फैला के आ गई हूँ मैं, और मौसम हो रहा आज बहुत ख़राब, सूखने वाले तो है नहीं कपड़े, बाद में उतार के रख दूँगी, फिर कल फैलाने पड़ेंगे। और जो बच्चों की ड्रेस है वो निकाल लूँगी, उनको शाम को नीचे ही फैला दूँगी। तो कपड़े मैं फैलाए आई हूँ, और फिर शाम के टाइम बारिश भी आ गई थी हल्की हल्की, तो मैंने उतार लिए थे कपड़े। और यहाँ मैं धो रही हूँ, जो किचन के टावल है वो मैंने भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में, और गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं ना उनको, तो वे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और स्मेल भी नहीं आती। और इनको मैं, और कोई कपड़े होते हैं ना उनके साथ बिल्कुल नहीं धोती। तो ये धोने के बाद फिर मैंने और जो काम थे किचन के, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने धर दिए हैं आलू उबलने के लिए। और आज बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा कुछ अलग सा बना दो, तो मैंने जो बथुआ लिया था उसकी आलू वाली पूरी बनाऊंगी। तो आलू धर दिए हैं उबलने के लिए, और मैं खा रही हूँ अब हलवा,
और भूख सी लग गई थी और थक भी रही थी, तो गुड्डू ने मुझे हलवा दे दिया था। हलवा खाने के बाद फिर मैंने बच्चों के बाल बाए हैं। रूही और पीयू के तो सुबह ही बा दिए थे क्योंकि वे ट्यूशन चली गई थी और ईशु गुड्डू रह रही थी, तो उनके उसके बाद बाए हैं। और अब मैं कर रही हूँ बथुआ साफ, और ईशु और गुड्डू भी दोनों मेरे साथ लगी हुई है मेरी हेल्प करने में। और बच्चों को शौक़ होता है ये काम करने के और करवाने भी चाहिए हमें ये काम इनसे। तो बथुआ में साफ करने के बाद मैंने धो दिया था, और धोने के बाद फिर उसको रख दिया था उबलने के लिए। और जब तक बथुआ उबलेगा तो तब तक मैंने सोचा चलो आलू उबल गए थे या ठंडे भी हो गए थे, मैंने निकाल के रख दिए थे तो इनको छील लिया है। और इधर देखिए जब तक आलू छिले हैं तो बथुआ भी उबल गया, क्योंकि बथुआ बहुत जल्दी उबल जाता है, मतलब एक दो सिटी में ही। तो ये अब मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और इसमें से पानी मैंने अलग निकाल दिया, एक बर्तन में कर लिया, और जो ये बथुआ है इसको अलग बर्तन में कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसमें मैंने मार दिया है चमचा सा, जिससे ये इसके पीसीज भी छोटे छोटे हो जाए और ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने काट के नहीं रखा था बथुआ कुकर में उबलने के लिए, ऐसे ही रख दिया था। तो जैसे चमचा सा मार देते हैं ना तो वो अच्छे से मतलब पीस सी जाता है, जैसे पीस देते हैं ना ऐसे हो जाता है। तो बथुआ मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया। अब मैं बना दूंगी रायता दही और आलू वाला, और बच्चों को इतना पसंद है रायता, चाहे सब्जी हम कोई भी बना लो कितने भी शौक से बना लो, लेकिन वे सब्जी को इतने चाव से नहीं खाते जितने खाते हैं आलू वाला रायता। रायता कोई भी बना दो बड़े शौक से खाते हैं बच्चे, पेट भर के खाना खा लेते हैं। और ईशु तो खैर रायता दही बहुत कम खाती है, और आलू का रायता तो फिर भी खा लेती है, लेकिन दही वगैरह वो बहुत कम खाती है, खाती नहीं। तो यहाँ मैंने आलू वाला रायता बना दिया, पहले दही फेंट के उसमें नमक मिर्च डाल दिए, और फिर डाल लिए हैं कुछ आलू, और सिंपल से ही तरीके से बनाया है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं डाला मैंने। तो यहाँ बस रायता बन के तैयार हो गया। अब जब तक ये बथुआ भी ठंडा हो गया था तो आटा ले लिया जितना भी मुझे ज़रूरत थी, पहले जो बथुआ था वो अच्छे से मैश कर लिया आटे के अंदर, और फिर जितना मुझे ज़रूरत था जो पानी था बथुए वाला वो मैंने डाल लिया, और खूब अच्छे से मल के आटा बना लिया। और जितना सॉफ्ट हमारा आटा होगा इतनी अच्छी हमारी पूरी पराठे रोटी बनेगी। तो आटा बन गया और रायता बन गया। अब मैं करूँगी इसके लिए पिट्ठी तैयार पूरी के आलू वाली, और वैसे तो मैं सोच रही थी कि सिंपल ही बना दूँगी, लेकिन गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा आलू वाली बनाओ, जो उस दिन बनाई थी वो अच्छी लग रही थी ज़्यादा आलू डालना। तो यहाँ बस आलू मैं कर रही हूँ कद्दूकस, और अब इसका जो पेस्ट है वो बना दूँगी, और जैसे आलू का पराठे का बनाते हैं ना सेम इसी तरीके से बना दूंगी। इसमें मैंने प्याज नहीं डाली, बाकी सभी चीज़ें डाल ली, नमक मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला काली मिर्च पाउडर जो भी है। तो सारे मसाले डालने के बाद फिर मैं बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और जो ये पेस्ट है हमारा आलू वाला मतलब पिट्ठी, ये बन के हो जाएगी तैयार। तो सारी चीज़ हो गई है हमारी तैयार, अब हम बनाएंगे पूरी। और पूरी के लिए मैंने रख लिया है फ्राई पैन, और उसमें डाल लिया ऑयल सरसों का, और अब तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जो आटा बनाया है हम उसकी एक लोई ले लेंगे जैसे रोटी की, और उसकी बना लेंगे एक पूरी छोटी, और उसमें जो पिट्ठी तैयार की है आलू की वो भर लेंगे, और चारों साइड से उसको कर लेंगे फोल्ड, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं सेम इसी तरीके से बना लेंगे। और बहुत अच्छी लगती है ये वाली पूरी, और बहुत मतलब टेस्ट आता है बहुत अच्छा, और बच्चे खुश हो के खा लेते हैं। तो यहाँ जो पूरी मेकर है मैं उसी के ऊपर बनाती हूँ पूरी ज़्यादातर, एक तो इस पर फटती नहीं, दूसरा जितनी मतलब ये है इतना ही इनका साइज़ बन जाता है पूरी का, अगर मैं इनको दबाऊंगी तो ये आलू बाहर निकल जाएंगे अगर पूरी मेकर से ही, तो हाथ से ही धीरे धीरे करके मैं इसको पूरी को बड़ा कर लेती हूँ और ये आराम से हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने सारी पूरी बना ली, और तेल को कर लिया है अच्छी तरीके से गरम, तो धीरे धीरे से बस ऐसे ही डालती रही, एक एक पूरी बनाती रही और डालती रही, और बस तो इनको बस अलटते पलटते हुए हम दोनों साइड से सेक लेंगे पूरी को। और बाद में मैंने थोड़ी मीडियम कर दी थी, आज ज़्यादा तेज़ पे नहीं करी थी, अगर तेज़ पे सेकती तो बाहर से सिक जाती, अंदर से इतनी अच्छी नहीं सिकती, और अगर मीडियम आँच पे सेकते हैं तो बिल्कुल कुरकुरी सी बन जाती है। तो यहाँ बस इसी तरीके से सारी पूरी बना ली है मैंने फटाफट, और गुड्डू ने सबको दे दिया है खाना लगा कर।
गुड्डू मेरी काफ़ी सारी हेल्प कर देती है, जैसा घर में होती है ना जिस दिन, तो काफ़ी सारी हेल्प कर देती है। जैसा मैं खाना बनाती हूँ वो दे देती है सबको, और चाय वगैरह भी बना देती है। मतलब जितनी, अभी इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो काम कर सकती है, लेकिन जितनी भी है वो काफ़ी हेल्प करती है मेरी। तो इसी तरीके से बस दोपहर का खाना हो गया है हमारा, मैं बनाती गई वो देती गई सबको, तो फटाफट उन्होंने खा लिया सबने और फिर मैंने भी खा लिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और तेरा कितना रह गया? बस एक बर्तन ही रह गया। मैं से बोल भी रहा था बर्तन में मांज दो रोज की तरह, लेकिन यह कहने लगी मैं ही मांज लूंगी बस रहने दो रोज की तरह। हाँ कैमरे वाले को तो मांज दे, अंदर रोज नहीं मांजता कैमरे के पीछे। चल कोई तो होना चाहिए ऐसा कम तक मांजने वाला है। मैं तो मानती हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं, रोटी आप बनाओ बर्तन आप मान जाओ, तो मैं तो यहाँ से बस सोम सारा दिन पड़ गया ना करूँ कुछ करता। अरे तो सोती भी नहीं है और क्या करूँ। तो हालत खराब हो रही, बहुत दर्द हो रहा आज, काम ज्यादा करा था आज सुबह से, ऐसा कि ऐसे लग रही 3 बज गए पूरे। चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करता हूँ यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।